क्या बताऊं मैं आपको, आपको बताऊंगा तो आप भी उलझ जाएंगे। बताइए तो सही, आप तो मुझे भी परेशान कर रहे हैं। राफिया बहन चाहती हैं कि हसन और गुड़िया की मंगनी की बजाय सीधी सीधी शादी कर दी जाए। उनको शायद अपनी सेहत पर भरोसा नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्या जवाब दूं। राफिया बहन ऐसा क्यों सोच रही है? बाईपास के बाद उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिना वजह परेशान हो रही है वो भी। बहुत संजीदा हैं वो इस मामले को लेकर। आप समझ लीजिए कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि जल्द अज जल्द मैं उनकी खुशियों की झोली में डाल दूं। मैं कैसे डाल दूं? मैं उनकी खुशियों की खातिर अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कैसे करूं? लेकिन क्या पता गुड़िया की खुशी भी हसन और राफिया की खुशियों से मंसूब हो, और उनकी बात मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। और जब हम दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर ही चुके हैं तो हसन और इसकी फैमिली की ख्वाहिश को मद्देनजर रखना चाहिए ना। और गुड़िया की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाली है, तो उसके पेपर्स के बाद हम शादी रख सकते हैं। लेकिन गुड़िया का एमबीए वो भी तो करना है उसे, तो वो शादी के बाद भी कर सकती है। हाँ ठीक है, आप गुड़िया से बात करके देखो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। दिमाग थक रहा है मेरा कसम से। आप नाश्ता लगवा, नाश्ते की टेबल पर बैठ के बात करते हैं। हाँ दलाल बेटा, ये लो चाय और बिस्किट। मैं मार्केट से आ रही हूँ, कुछ और खाना है तो बता दो, बना के दे जाऊं, वरना मेरा दिल परेशान रहेगा कि मेरे बच्चे को भूख ना लगे। बेफिक्र होके जाइए, चाय ठीक है, अगर भूख लगी तो किचन में जाके कुछ बना लूंगा। खबरदार दलाल अगर किचन में गया तो, ज्यादा ना पिछली बार हाथ जला लिया था, खाना खासा कुछ ज्यादा हो गया तो। अरे मेरी प्यारी अम्मी, क्यों परेशान होती? अब आप अपने बेटे को ना अंधा समझना छोड़ दें। मैं इन आंखों से नहीं, इन आंखों से देखता हूँ। मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम किचन में नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, ये माँ का हुक्म है। नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ। अरे मेरी स्टिक पकड़ो इसको, तुमने किचन में नहीं जाना, ठीक है? चलो।